इंसानियत की जिंदगी पर कि जो किसी पैगाम हक को अवाम तक पहुंचाकर खामोश नहीं हो जाते, ये समझ कर चुप नहीं हो जाते कि अब तो हमारी जिंदगी खत्म हो चुकी, हमने अपना काम खत्म कर दिया, बल्कि जो पैगाम हक पहुंचाकर एक सिलसिले को भी कायम करते हैं ताकि पैगाम कयामत तक इसी तरह से आगे बढ़े। इसी पर गुफ्तगू थी और कुरान मजीद ने जगह जगह जब हिदायत मुसलसल का जिक्र किया तो कबीर इरशाद हुआ, लकद अरसलना रुसुलना तत्रा, हमने लगातार रसूल भेजे। कबीर इरशाद हुआ, लकद वसलना लहुमुल कौल लअल्लहुम यतज़क्करून, हमने कौल में वसल दे दिया ताकि वो मकाम तज़क्कुर पर आए। ये कंटिन्यूटी ऑफ थॉट, ये सिलसिले फिक्र, ये वसले कौल,
ये सब इस अम्र का मुतकादी है कि पैगाम का पहुंचाने वाला एहतमाम करे कि किस तरह से पैगाम को अब रह जाना चाहिए। नूह एहतमाम करें, इब्राहिम एहतमाम करें, मूसा एहतमाम करें, अंबिया की कोशिशें ये हों कि वो दुआ करें। इब्राहिम कहें इन्नी ज़ाहिबुन इल्ला रब्बी सयहदीनी, मैं अपने रब की तरफ जा रहा हूं, अलबत्ता वो हिदायत करेगा। रब्बी हबली मिनस सालेहीन, परवरदिगार मुझे एक सालेह बेटा अता कर, मुझे एक फर्जंद अता कर। जा रहे हैं रब की तरफ, मांग रहे हैं एक फर्जंद, फकत इसलिए कि हक की तरफ जाना यानी खालक को पैगाम पहुंचाना है। हक की तरफ जाना यानी खल्क को पैगाम पहुंचाना है, और खल्क को पैगाम पहुंचाने में कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है जबकि पैगाम मुसलसल हो। बाप के साथ बेटा आए, बेटे के साथ पोता आए, तो दुआ करते हैं परवरदिगार मुझे एक सालेह बेटा अता कर। इसी तरह से जकरिया की मंजिल के जहां बे अख्तियार जकरिया आवाज देते रब्बी हबली मिन लदुन का वलिया यरिसोनी व यरिसो मिन आले याकूब, परवरदिगार अपने नजदीक से मुझे एक वली अता कर जो मेरा वारिस हो और आले याकूब का वारिस हो। वो एक सिलसिले को पेश कर रहे हैं कि जिस सिलसिले में खुद जकरिया की भी विरासत आए, आले याकूब की भी विरासत आए। नारे सलवात, तो इस तरह से दुनिया के अहम तरीन पेशवा, दुनिया के मुअज्जम और मुमताज मुफक्किरीन यही चाहते हैं कि उनकी जगह पर खला वाक़े न हो, वो दुनियावी सियासत हो या मजहब की जिंदगी। हर जगह यही कोशिश होती है कि आदमी के बाद आदमी रहे, शख्स के साथ शख्स रहे, फर्द के साथ फर्द रहे, सिलसिला न टूटने पाए, वरना कोशिशें कामयाब नहीं होती। वो कौमें हैरान हो जाती हैं जहां अफराद नहीं मिलते, वो ममलिकतें परेशान हो जाती हैं जहां अच्छे दिमाग ढूंढे से दस्तियाब नहीं होते, जहां एक आध आदमी पैदा हो जाए और उसके बाद सिलसिला न रहे, हमेशा वहां नाकामी होती है। इसलिए इलाही निजाम दीन ये है कि सिरात मुस्तकीम बगैर हिदायत करने वाले के न रहे, सिरात मुस्तकीम पर हिदायत करने वाला रहे। और यही वो हिदायत करने वाले हैं जो चाहते हैं कि हर मंजिल पर, हर मौके अपनी हुज्जतों को इतमाम पर पहुंचाएं और आने वाले दौर के लिए अपने वारिस को छोड़ दें। यरिसोनी व यरिसो मिन आले याकूब, जो मेरा वारिस हो, जो आले याकूब का वारिस हो। और इसी तरह से जिस आयत का मैंने उन्वान किया, हमने उसको इब्राहिम के लिए कलिमा बाकिया बना दिया, बाकी रहने वाला कलिमा बना दिया, लअल्लहुम यरजऊन, ताकि देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले अल्लाह की तरफ रुजू करने की कोशिश करें। तो हम इस मंजिल पर हैं कि सिर्फ अंबिया में एक ही नबी ऐसा है कि जिसकी या मसलहतें ये थी या मशीयत ईजदी में यह गुजर चुका था
या सिलसिले अंबिया में लाजिमी यह था कि उसकी नस्ल को मुनकता किया जाए। सिर्फ एक ही नबी ऐसा है और वो मरियम के बेटे ईसा हैं कि जिनके बाद सिलसिला आगे न बढ़ सका, वरना औलादे इसराइल भी आगे बढ़ रही थी, औलादे इस्माइल भी आगे बढ़ रही थी। नूह की औलाद में जब इब्राहिम आए तो इब्राहिम की औलाद में इस्माइल और इसहाक की औलाद मुसलसल फैलती रही। सिर्फ एक नबी ऐसा है कि जहां रोका, और शायद इसीलिए रोका कि एक दूसरे सिलसिले को आगे बढ़ाना था, एक दूसरे सिलसिले को आगे बढ़ाना था, और इस तरह से आगे बढ़ाना था कि नस्ल इस्माइल में कोई आए, नस्ल इस्माइल में कोई आए। और जहां आके सिलसिले को रोका, जहां आके सिलसिले को रोका, वहां भी एक औरत की अजमत को जाहिर किया, जहां से सिलसिले को बढ़ाया वहां भी एक औरत की अजमत को जाहिर किया। के बावजूद मरियम के बाद मशीयत इलाही में यह गुजर गया कि इसका बेटा लावलद रहे, ला अकिब रहे, अकिब औलाद, सिलसिला न रहे, अपना काम करें और औसिया इस काम को लेके आगे बढ़ जाएं। तो इस तरह से अगर मरियम की फजीलत सिर्फ यही है कि वो एक नबी की मां है, तो रोका इस मकाम पर कि सिलसिला रुके, और जहां से पढ़ाया जैसा कि कल अर्ज कर रहा था कि खत्मी मर्तबत को बेटा अता नहीं किया, दिए बेटे और उठा लिए जैसा कि तारीखों में, मगर तय यह पाया कि सिलसिला बेटी से कायम रहे और बेटी के सिलसिले को कायम करके सिर्फ नफ्स रसूल पर नहीं छोड़ दिया कि तुम कह देना कि इसकी औलाद फैलेगी, नहीं, कुरान ने यह भी जिम्मेदारी ले ली कि अगर इसकी औलाद होगी तो अपना आना की मंजिल पर लाएंगे। आपने देखा, अब नाना की मंजिल पर लाएंगे ताकि कयामत तक दुनिया में खत हुज्जत रहे, दुनिया जान ले कि इस सिलसिले को कुरान ने तस्लीम कर लिया है। अजीब बात है, और अकीदे के एतबार से मानिए या किसी और एतबार से, बहरहाल जो हकायक हैं वो अर्ज करता हूं, और हकायक आपसे पोशीदा नहीं है। आम तौर पर बोलने वाले, लिखने वाले, सोचने वाले, नसर में फिक्र करने वाले, नज्म में फिक्र करने वाले शुआरा नसार आम तौर पर
ختمی مرتبت کی تعریف کرتے ہیں، دل کھول کے تعریف کرتے ہیں، اور اگر کبھی لڑائیوں کا تذکرہ مقصود ہو تو آگے بڑھ کے فاتح خیبر کی بھی تعریف کرتے ہیں، علی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور اگر سننے والوں کا ذوق مجبور کرے، تو مرثیہ کہہ کے حسین کی بھی تعریف کرتے ہیں، مگر خاص طور پہ زہرا کی تعریف کرنا ہم نے اس منزل پر ہر ایک کو نہیں پایا، یہ مخصوص ہو گیا، زہرا کی منزلت پر گفتگو کرنا یہ مخصوص ہو گیا، اور دنیا اب اس گفتگو کو جس رنگ میں چاہے لے، مگر اس دور میں سوائے اقبال کے کسی نے فاطمہ زہرا پہ گفتگو ہی نہیں، صرف اقبال. اور اس لیے کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کی جرأت، اس کی ہمت اور اس کی قوت قلبی کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ چونکہ وہ شاہ مردہ کی تعریف کرتے کرتے عادی ہو چکا ہے، اس لیے بے باک صداقت سے وہ کہتا ہے کہ مریم کی تو اللہ کے پاس ایک ہی نسبت ہے، مگر زہرا کی تین عزتیں. ظاہر ہے میں وہ نظم اس وقت پڑھنے کے موقف میں نہیں ہوں، مگر ایک بات کہہ دینا چاہتا تھا کہ طویل نظم کا کہہ دینا صرف جناب سیدہ کے لیے یہ کسی سے ممکن نہیں ہوا، اور پھر ایک ایسے شاعر سے اس دور میں کہ جس دور میں اس کو ایک یقین تھا، اور اسی یقین کی بنا پر کبھی وہ کہہ رہا تھا کہ یہ پیغام عرب کے لیے ہے، یہ پیغام عجم کے لیے ہے، یہ پیغام مسلمانوں کے لیے ہے، یہ پیغام صاحبان ایمان کے لیے ہے، وہ اپنے پیغام کی تقسیم کیے جا رہے تھے، اور جہاں اس کو یہ معلوم تھا کہ دیگر دانا راز آئے کہ نائب اس کے بعد کوئی بولنے والا آئے گا یا نہیں آئے گا، یعنی اس کو اپنی اولو العزمی کی کیفیت معلوم تھی کہ میں کتنا بڑا مفکر ہوں، اس کے باوجود جب جناب سیدہ کی تعریف کی منزل پر آتا تھا تو اس نے بے اختیار یہ کہا کہ شہزادی میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے قبر کے اطراف پھرتا رہوں. پاک فرمانے جناب مصطفیٰ، جناب مصطفیٰ کے حکم کا پاس ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس، اللہ کا حکم پاؤں کو روک رہا ہے، زنجیر بندھے ہوئے ہیں، ورنہ گرد تربتش گردی دمی، سجدہ پر کھا کے اوپاشی دمی، میں سجدے کرتا زہرا کی قبر پہ. تو اب اس مقام پر جس طرح سے انہوں نے تعریف کی اور جس منزل پر تعریف کی، وہ تو آپ نے بارہا مجھے سنا. میں صرف ایک چیز پوچھنا چاہتا تھا، اسلام میں اور بھی تو عورتیں تھیں، اسلام میں اور بھی خواتین تھیں، اسلام میں اور بھی بیویاں تھیں. اقبال کے اتنے بڑے طویل مجموعے میں کلام کے کسی کے متعلق مجھے کوئی ایک نظم بتلا دے. تعجب یہ ہے کہ خود ختیجہ کے متعلق جس نے گفتگو نہیں کی. تو اور خواتین یا اور ہمت والی مسلم عورتوں کا تذکرہ وہ کیا کرتا، مگر معلوم نہیں کیا بات ہوئی کہ خودی کی منزل پر علی کا ذکر کیا،
वे खुदे की मंजिल पर ज़हरा का जिक्र किया। रुमूद खुदी वो बेखुदी के उन्वान पर जब नज्म लिखी तो खुदी की मंजिल पे आके अली का जिक्र किया, बेखुदी की मंजिल पे जहरा का जिक्र किया। और उस तस्किरे में, उस तस्किरे में इस हकीकत को वादे किया कि सीरत फर्जंद अज उम्महात, बच्चों की सीरत मां की गोद में बनती है, बच्चों का किरदार मां के आगोश में तैयार होता है, बच्चे मां के दर्सगाह तरबियत से अपनी जिंदगी को कामयाब बनाते हैं। सीरत फर्जंदहा अजुम्महा, जो हरे सिद्क व सफा अजुम्महा, उनमें जो सिद्क व सफा की बातें आती हैं वो उम्महात की तरफ से आती हैं। तो देखिए, इकबाल चाहते थे कि सिलसिले को कायम करने वाली कोई आए औरत तो उसका तस्करा करूं, अगर सिलसिला किसी का नहीं है तो तस्करा क्या हो। इकबाल की कमजोरी नहीं है ये, इकबाल की दूरबीन फिक्र ये देख रही थी सिलसिला क्या है। और जिस शहजादी से सिलसिला मिला उस मकाम पर ना कि सीरत फर्जंदहा अजुम्महात, शौहर सिद्क व सफा अजुम्महात। और जब सिलसिले पर गुफ्तगू हुई तो जाहिर है कि उन इजाफतों को बतलाया कि मरियम की अल्लाह के पास एक ही इज्जत है, जहरा की तीन इज्जत है। मरियम कौन है? इकबाल की जिम्मेदारी है, देखिए मरियम कौन है। मरियम वो है कि या मरियम इन अल्लाह अस्तफा के व तहर के व अस्तफा के अला निसाइल आलमीन, ए मरियम अल्लाह ने तुझको ताहिर किया, तुझको मुस्तफा किया, तुझको पाक व पाकीजा किया और आलम की औरतों पे बरगुजीदा किया। ये मरियम है कुरान के नस पर, और इस मरियम के साथ मुकाबला करना सैयदा का, और ये कहना अज एक नस्बत ईसा अजी अस्से नस्बत हजरत जहरा अजी नूर चश्मे रहमतुन लिल आलमीन इफ्तिखारे अव्वलीनो आखिरी बानुए उन ताजदारे हलता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा। मदरे उन मरकज प्रकारे इश्क, ये सिलसिला मदरे उन कारोमा सालारे इश्क, दो बेटों की मां। तो इस सिलसिले को कायम किया। यहां आप मुझ पर खुश एतकादी या अपनी अकीदतमंदी में बह जाने का इल्जाम न दें, बल्कि एक हकीकत है और उस हकीकत पे आप गौर करें। इमाम सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इरशाद फरमाया कि मुझसे मेरे पदरे गिरामी ने कहा, इमाम बाकर ने उनसे, उनके पदरे गिरामी ने कहा, सैयद सज्जाद ने उनसे, उनके पदरे गिरामी ने कहा, यानी हुसैन इब्ने अली ने उनसे, उनके पदरे गिरामी ने कहा यानी अमीरुल मोमिनीन ने, कि अली कहते थे एक दिन सरकार रिसालत ने मेरी सूरत देखी और कहा या अली अल्लाह ने तुमको तीन ऐसी फजीलतें दी जो अव्वलीन और आखिरीन को नहीं मिली। मजमा भरा हुआ था, मस्जिद में मजमा भरा हुआ था, बेख्तियार जबान रिसालत से निकला, तुमको तीन चीजें ऐसी अता हुई जो अव्वलीन और आखिरीन को नहीं मिली,
مجمع میں سے کسی نے پوچھا آپ کو بھی؟ کہا ہاں مجھے بھی. کو آپ سمجھ رہے ہیں یعنی کہ آپ کو بھی نہیں ملی؟ کہا مجھے بھی نہیں. اس کو ملی؟ صرف اس کو ملی ہے. یعنی معصوم کی زبان سے یہ جملہ سنیے، مجھے خوش عقیدگی کا الزام نہ دیجئے، اس لیے کہ اس کا جواب زبان رسالت سے سن کر قیامت تک آپ یاد رکھیں گے. وہ تین چیزیں علی کو کیا ملی جو پیغمبر کو بھی نہیں ملی؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول واضح کر دیجئے، اس لیے کہ ممکن ہے بھائی کی محبت میں یہ گفتگو ہو رہی ہو. ارشاد فرمایا نبی تمہارا محبتوں میں بہکتا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ تین چیزیں وہ عطا ہوئی ہیں جو کسی اولین و آخرین میں کسی کو نہیں ملی. پہلے یہ کہ اس کا بھائی محمد ہے، میرا بھائی محمد نہیں ہے. اس کا بھائی محمد ہے، میرا بھائی محمد نہیں ہے. اس کی بیوی فاطمہ ہے، میری بیوی فاطمہ نہیں ہے، فاطمہ کی طرف سے نہیں ہے. اور اس کے دو بیٹے حسن و حسین ہیں کہ جس پہ یہ قیامت تک ناز کرے گا. اقبال نے یہاں سے لیا اس فکر کہ بھائی ایسا، بیوی ایسی، بیٹے ایسے، اور اس سلسلے کو لے کے جانا ہے. وہ جعلہا کلمتا باقیتا فی عقبہ لعلہم یرجعون. ہم نے اس کو ایک کلمہ باقی بنایا، کلمہ باقی بنایا تاکہ یہ رجوع کرے. تو اب ایسے موقع پر جو بھی اس پیغام کو لے کے جانے والا ہو، اس کی زحمتیں، اس کی مصیبتیں، اس کی اندوہ ناکیاں، اس کی صعوبتیں وہی جانے جو یہ جان رہا ہو کہ پیغمبر نے یہ کہا تھا ما اوزی نبی جن کما اوزی، جو تکلیف مجھے دی گئی کسی نبی کو نہیں دی گئی، اور اس کے بعد پیغام کو لے کے جانا ہے. تو ظاہر ہے وہی پیغام کو لے کے جا سکے جو یہ کہے آپ کے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر روزہ روشن سے پڑتی تو شبیدار ہو جاتی. دیکھا آپ نے، اس سلسلے کو پیش نظر رکھنا ہے. آرام طلبی کی منزل نہیں ہے، سلسلے کو آگے بڑھانا ہے تو مصیبتوں کو بھی جھیلنا ہے. اور ایسی منزل پر سب سے پہلا کام سلسلے کا یہ ہے کہ انبیاء کی کوششوں کو، اب یہ دوسری تقریر کے بعد اہم مقامات ہیں، کل کی اختتامی اور آخری تقریر میں جس منزلوں تک پہنچنا ہے وہ آپ خود جان لیں گے، سن لیں گے. انبیاء کی کوششوں اور انبیاء کی کاوشوں میں سب سے اہم کاوش یہ کہ جو میں کہوں دنیا اس کو مانے. بہت غور سے سنیے، جو میں کہوں دنیا اس کی تصدیق کرے، جو میں کہوں دنیا اس کو تسلیم کرے، جو میں کہوں دنیا اس امر کے آگے سر جھکا دے. یہ نبی کی کوشش ہے. اس کوشش کی ضد پہ کیا ہوتا ہے؟ قومیں انبیاء کو جھٹلاتی ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. جھٹلانا آپ سمجھتے ہیں نا، بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے. بہت سے چھوٹے چھوٹے سادہ لفظ ہماری زبان پر اس کثرت سے استعمال ہو جاتے ہیں کہ اور ہوتے رہتے ہیں کہ ہم اس کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے. دیکھیں، کسی کو جھٹلانا انکار کرنا نہیں ہے، انکار کرنا اور ہے، نہیں مانتے، جھٹلانا اور ہے. جھٹلانا یہ ہے کہ کسی حد تک کسی چیز کو قبول کر کے یہ کہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، یہاں تک حقیقت ہے، یہ حقیقت نہیں ہے.
मैं समझा नहीं सका आपको, आप समझाऊं। सूरह मुनाफिकून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअकल मुनाफिकून, ऐ रसूल जब तेरे पास मुनाफिक आते हैं, आलू नशहदु इन्नका रसूलुल्लाह, वो कहते हैं हम गवाही देते हैं कि तू अल्लाह का रसूल है। वल्लाहु यालमु इन्नका लरसूलुहू, अल्लाह को इल्म है कि तू उसका रसूल है। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, मगर खुदा गवाही देता है कि ये झूठे हैं। अब मुझे तो हमारे कि वो कह रहे हैं कि तू रसूल है। अब जरा झूठ की मंजिल देख रहे हैं, ये झूठ कहते हैं किसको? झूठ कहते हैं उस कैफियत को कि जिसकी सदाकत मुसल्लम हो, मगर चूंकि दिल दिल बातिल की तरफ माइल है। मेरे लफ्जों में बहुत गौर कीजिए, दिल बातिल की तरफ माइल है और जबान को मजबूरन हक के साथ जाना है, इसलिए उसने कहा कि हां हां ये आयत उतरी, हां ये रसूल अल्लाह का है। दिल तो बातिल की तरफ माइल है, तो आपने देखा कि कुरान ने कहा ये झूठे हैं, तो किसको कहा? मुनाफिक को कहा। तो मुनाफिक की तारीफ क्या है? दिल बातिल परस्त हो, जबान पर हक हो। दिल बातिल परस्त हो, अब एक जुमला अर्ज करूंगा और जिंदगी भर आप याद रखेंगे। मुनाफिक की तारीफ यह है कि दिल बातिल परस्त हो और जबान पर हक हो। यही वजह है कि दुनिया के तमाम पढ़े लिखे इंसानों ने जब अबू तालिब पे गुफ्तगू की तो अबू तालिब को मुनाफिक नहीं कहा। मंजिल क्या है? झूठ की मंजिल यह है कि जाहिर बजाहिर वो रास्ता इख्तियार किया जाए कि जिस रास्ते पर नबी जा रहा हो, मगर मगर आमाल ऐसे हो कि जहां खुदा गवाही दे कि ये झूठे हैं। और उसके बाद सूरह हज में यह आयत आए। अब यह पहली आयत हमने कहां से ली? सूरह मुनाफिकून के मुनाफिक तेरे पास आते हैं, ये कहते हैं कि ये गवाही दे रहे हैं कि तू खुदा का रसूल है, अल्लाह को इल्म है कि तू खुदा का रसूल है, मगर खुदा गवाही देता है कि ये झूठे हैं। खुदा गवाही देता है कि ये झूठे हैं। और उधर सूरह हज में इरशाद हुआ, इयू का जेबू का, अगर इन्होंने तुझे झुटलाया, इयू का जेबू का, अगर ये तुझे झुटला रहे हैं, फकत का जबक अब लहूं कौम नूहिन वो आदुन वो समूद,
وہ قوم ابراہیم وہ قوم لوط وہ اصحاب مدینہ وہ کذب موسیٰ فاملیت للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیر. اگر انہوں نے تجھ کو جھٹلایا ان یکذبوا کا تو تجھ سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں. نو نو کی قوم نے ان کو جھٹلایا, آد نے ہود کو جھٹلایا, سمود نے صالح کو جھٹلایا, قوم ابراہیم نے ابراہیم کو جھٹلایا, قوم لوط نے لوط کو جھٹلایا, اصحاب مدین نے شعیب کو جھٹلایا, وہ کذب موسیٰ اور موسیٰ کی تکذیب کی گئی. ہم نے کیا کیا؟ فاملیتو, ہم نے بھی مہلت دی. فاملیتو للکافرین, ہم نے کفر کرنے والوں کو مہلت دی. ثم اخذتهم, اور پھر اس کے بعد جب ان کی گردن کو پکڑ لیا تو کئی بار کانا نکیر, پھر دنیا نے دیکھا ہماری گرفت کیسی تھی, پھر دنیا نے دیکھا ہماری گرفت کیسی تھی. تو آپ نے دیکھا سلسلہ انبیاء جس پیغام کو لے کے جا رہا ہے, وہاں جھٹلانے والوں کی کمی نہیں ہے. بڑی اہم گفتگو کی منزل ہے اور کل کے لیے راہ پیدا کرنا ہے. سلسلہ انبیاء کے لیے سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ تکذیب کرنے والے پیدا ہوتے ہیں, جھٹلاتے ہیں, اور اس طرح سے جھٹلاتے ہیں, اس طرح سے جھٹلاتے ہیں کہ دنیا حق و باطل میں تمیز کرتے ہوئے گھبرا جاتی ہے. ایک اور منزل پر آپ کو مثال دے دوں, پڑھا لکھا مجمع ہے, یاد رکھنے کی کوشش کیجئے. آپ کو یاد ہے کہ غرہ سفر کو 61 ہجری جب شام میں داخلہ ہوا دربار میں شہزادی زینب کا, تو یزید نے قرآن کی آیت پڑھی, قرآن سے آیت پڑھی, انجیل سے نہیں پڑھی, زبور سے نہیں پڑھی تھی, قرآن کو غلط اور گمراہ کن نہیں بتلایا تھا بلکہ اپنے استدلال میں آیت پڑھی تھی, تو عز من تشا و تذل من تشا. تو شہزادی زینب نے کیا جواب دیا؟ یہی جواب دیا, سورہ روم سے آیت پڑھ کے جواب دیا, ثم کان عاقبت الذین اساؤوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ و کانوا بها یستهزئون. یزید, بدترین انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں. وہ آیت پڑھ رہا ہے قرآن کی, شہزادی کہہ رہی ہے کہ تو جھوٹا ہے. کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کے معنی یہ کہ پڑھنے میں جھوٹ نہیں ہے, پڑھنے میں جھوٹ نہیں ہے, اس کے صرف میں غلطی ہے, اس کے استعمال میں غلطی ہے. جس کام کے لیے آیت کو استعمال کیا جا رہا ہے وہاں غلطی ہوئی ہے, اور اس میں شہزادی متنبہ کر رہی ہیں کہ بدترین انجام ہے ان کا جو آیات الہی کی تکذیب کرے. اب آپ سمجھ گئے جھوٹ کی منزل. قرآن مجید نے کہاں کہاں کس کس مقام پر اس لفظ کا استعمال کیا ہے. اے رسول, اگر تم کو جھٹلایا تو گھبراؤ نہیں, نوح کو جھٹلایا, ابراہیم کو جھٹلایا, موسیٰ کو جھٹلایا, ہود ہو, صالح ہو, شعیب کو جھٹلایا, مگر جب ہم گرفت اپنی سخت تر کرتے ہیں تو کافر کانپ جاتے ہیں. اس لیے حبیب اپنا کام کرو, آگے بڑھو. تو آپ نے دیکھا کہ نبی کا پہلا منشا یہ ہوتا کہ جو کہے دنیا اس کی تصدیق کرے, اور اگر شیطان کسی کے دل پہ قابض ہے تو وہ نبی کی تمناؤں میں داخل ہو جاتا ہے. سورہ حج کی آیت جس پر کبھی گفتگو ہو چکی, شیطان روک دیتا ہے کہ تصدیق نہ کر, تصدیق نہ کر. وہ سن تو لیتا ہے مگر تصدیق کے موقف میں نہیں رہتا,
इसलिए अब नबी का काम यह होता है कि आने वाले जमाने में हक को हक और बातिल को बातिल साबित करने के लिए एक ऐसे सिलसिले को छोड़ जाए जो रोज अव्वल से ये अहद करके चले कि मेरे बाप ने ये नहीं कहा ये कहा। आज की गुफ्तगू खत्म हुई जो भरे दरबार में ये कहे मा काना अभी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि अन किताबिल्लाह मुसादिफा वले अहकाम ही मुखालिफा। मेरा बाप दुरूद व सलाम उस पर अल्लाह की किताब का मुखालिफ नहीं था, आयात इलाही से इख्तलाफ नहीं किया। क्या तुमने यह तय कर लिया है कि तुम मेरे बाप पे झूठ बोलोगे? अब देखिए शहजादी का कितना अजीब काम है, इल्म नबुव्वत से जो बहरयाब है और बाबा ने जो कुछ बतला दिया है उसके एतबार से जानती है कि कुछ ही दिन जीना है, मगर इसके बावजूद मकाम जलाल पर और ये कह रही है कि क्या तुम उसी तरह से जैसे कि बाप की जिंदगी में तुम उन पर झूठ और इफ्तरा बांधते थे क्या आप भी वही कोशिश करोगे? यह कुरान है, यह मेरे बाप के अहकाम है। दुनिया हैरत के आलम में खुतबे को सुनती रही, कोई जवाब बनना पड़ा और यही कहना पड़ा कि हमारी मसलहतें हैं। वो मसलहतें आज भी हैं, वो मसलहतें कयामत तक रहेंगी। इन्हीं मसलहतों की बिना पर तो कभी कभी दिल डरता है, ये सोचते हुए कि जब हम कभी ये बुलंद बांग दावा करते हैं कि किताब और सुन्नत पे हम पाबंद रहेंगे तो क्या वाकई रहेंगे? क्या वाकई अमल करेंगे? और अगर इससे पहले कभी अमल हुआ है तो 1400 बरस की तारीख में उन लम्हात को पेश नजर रखेंगे। बात यह है, दिल डरता है क्या ऐसा हो सकेगा? आने वाला वक्त बतलाएगा, आने वाला दौर बतलाएगा, लिखने वाले लिखेंगे, सोचने वाले सोचेंगे कि इन बुलंद बांग दावों के साथ आए। मगर मैं ये नहीं कहता कि अमल नहीं होगा, बल्कि हर जमात अपने लिए आयत की नई ताबीर करेगी, सुन्नत की नई ताबीर करेगी। और इसी से बचाना चाह रही थी रोजे अव्वल, रोजे अव्वल बचाना चाह रही थी। मेरे बाप का मतलब ये नहीं है, ये मतलब नहीं है, मैं बेटी हूं, मैं कह रही हूं कि मेरे बाप ने नहीं कहा। तो वो काम किया, वो हक अदा किया कि तारीख आलम में कयामत तक बात रहे। अंबिया की औलाद नरीना से वो काम नहीं हुआ जो एक बेटी ने कहा, और इस शान से इस जलाल के साथ इस गैस के बावजूद कि जहां मरियम और फातिमा का हवाला देने वाले शायर ने वाकई मुफक्करीन पे एहसान किया कि मरियम की ये इज्जत है, फातिमा की ये इज्जत है, मगर शायद दुनिया ने मरियम के माहौल पे और जहरा के माहौल पे गौर नहीं किया। एक और भी मकाम था ना, फकत यही कि वो मोहम्मद की बेटी थी, अली की बीवी थी, हसन हुसैन की मां थी, बस यही नहीं।
वो बीबी थी कि जिसके लिए रसूल ताजीम को खड़े होते थे, और वो बीबी थी कि जिसके हाथ पे बोसा दे के कहते थे इन्नी अशुम इंदा के राय हतल जन्ना, जहरा तेरे पास से जन्नत की बू आ रही है। और वो बीबी थी कि जहां मलक दरबानी करते थे, वो बीबी थी जहां मलक आसिया गर्दा थे, वो बीबी थी जहां ईद के दिन कहीं से सिल के कपड़े आते थे, वो बीबी थी कि जब नमाज शब के लिए उठती तो मदीने की अंधेरी गलियां रोशन हो जाती। और इसको लिख के ये लिखना चाहिए था कि ऐसी बीबी, और जाके बाप की कब्र पे फरियाद करे, और ऐसे आलम में फरियाद करे जबकि सही बुखारी शरीफ में ये हदीस हो कि फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है, जिसने उसको अजियत दी उसने मुझको अजियत दी, हदीस मौजूद। और ऐसे में जिस माहौल में जहरा है उस माहौल को भी तो कोई देखे, मरियम का माहौल कुछ और है, जहरा का माहौल कुछ और है। मरियम ने काहे को देखा होगा, इसलिए कि मरियम एक नेमत से महरूम कर दी गई, और वो नेमत ज़ौजियत थी कि ज़ौज से क्या मोहब्बत है। अगर वो नेमत ज़ौजियत से महरूम नहीं होती तो उनको अंदाजा होता कि शौहर पे जब तकलीफ पड़ती है, शौहर पे जब कोई मुसीबत आती है तो उसका असर क्या होता है। सलमान बयान करते हैं कि मेरी निगाहें लगी हुई थी अमीर उलमीन पे, मस्जिद में जब अली के गले में रस्सी बंधी हुई और उधर जहरा खड़ी हुई थी तो बार बार अली मुझे इशारा कर रहे थे सलमान जाके जहरा के खदमों पर गिर जाओ। और ये कहना कि बीबी बालों को परेशान न करना, ये मकाम जहरा के लिए है, ये मंजिल जहरा के लिए है जहां मरियम महरूम है। ऐसे में सलमान कहते हैं कि मैं बारगाह अक्दस में पहुंच ही रहा था कि हाथ बुलंद हो गए, जहरा के हाथ बुलंद हो गए। मैंने देखा मस्जिद की दीवारें लड़क गई, मस्जिद की दीवारें लड़क गई, मैंने अपने आप को पाए अक्दस पे डाल दिया कि शहजादी शौहर का हुक्म है, आप सब्र करें। तो कहा सलमान मैं अपने शौहर को इस हाल से देखूं, मैं फातेह खैबर को इस हाल से देखूं कि उसके गले में रस्सी बंधी हो। अली वापस आ, अच्छा ये देखिए ये वो वाकया है कि जिसको अली ने नहजुल बलागा में खुद बयान किया और अमीर शान के खत के जवाब में बयान किया कि तू इस बात पे अकड़ता है कि मेरे गले में रस्सी बांधी गई, युकादु कमा युकादु जमल उल मखशूश, तू इस बात पे अकड़ता है कि अली के गले में रस्सी बांधी गई। इरशाद फरमाया मकाना ले मुस्लिम की गिजाजत अयकूना मजलूमा, किसी मुसलमान के लिए ये बात बाई से नंगो आर नहीं है कि वो मजलूम था, इससे बेहतर कोई जवाब हो सकता है। मुसलमान को शर्माने का क्या मकाम है। तूने मेरी मजम्मत करनी चाहिए मगर तारीफ कर दी, तूने मेरी रुसवाई चाहिए
मगर तूने मेरी फजीलत को बयान किया कि मैं इतना साबिर था, सिलसिले को आगे बढ़ाना था, इसलिए सब्र मकसूद था। वरना वो कहने वाला मा अल्लाह तो बा बकई पर इन बेकूवतिन बशरिया बल बेकूवतिन मलकूतिया, मैंने बाब खैबर को कुवत मलकूती से उखाड़ा था। ऐसे अली के लिए आसान था, आसान था तलवार खींच लेना, मगर पैगाम का आगे बढ़ना मुश्किल था, आगे बढ़ना मुश्किल था। रुक रहे थे कि इतना वक्त मिल जाए। घर वापस आ, घर वापस आए तो ये कह के आए कि अब किसी से नहीं बोलूंगी, मोहम्मद की बेटी ये कह के वापस आई कि अब कोई मेरे घर पे ना आए। मोहम्मद की बेटी अब बीमार भी हो गई, बार बार कहती थी क्या मस्जिद में अज़ान नहीं होती। लोगों ने कहा शहजादी पितर ग्रामी के इंतकाल के बाद से बिलाल चले गए, कहा कोई बिलाल को जाके मेरा सलाम कहे और कहे मोहम्मद की बेटी उसी शान से फिर अज़ान सुनना चाहती है। बिलाल को देखा कि सहरा में पत्थरों से सर टकरा रहे हैं, लोगों ने जाके इत्तला दी बिलाल शहजादी बुला रही है। बिलाल आए, सलाम किया, इज़्न लिया, मुकब्बर पर पहुंचे, आजादी अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। बिलाल बयान करता है जब मैंने पैगंबर का नाम लिया किसी ने मेरे दामन अबा को पकड़ के खींचा का बिलाल चुप हो जाओ, सहरा बेहोश हो गई। सहरा बेहोश हो गई, बिलाल चुप हो जाओ। बाप को याद करके रो रही हैं। पूछा क्या बात है, बहुत दिनों से सलमान भी नहीं आए। लोगों ने जाके सलमान से कहा शहजादी तलब कर रही हैं। सलमान गए, सलाम किया, कहा सलमान तुमने भी आना जाना छोड़ दिया। कहा नहीं शहजादी मुझे बुखार है, तप है। इरशाद फरमाया ये दुआए नूर है पढ़ा करो। दुआए नूर को इमला फरमाया, लिखवाया और कहा सलमान तुम तो इसी आस्था से वाबस्ता हो ना, आते जाते रहो, आते जाते रहो। सलमान ही को इज्जत हासिल है, सलमान ही को इज्जत हासिल है। कल आप सुनेंगे मेरी जबान से कि किस मकाम पे सलमान को फाइज किया है। बहरहाल अब हाल दिगर गूं रहने लगा। एक मर्तबा एक दिन अमीरुल मोमिनीन ने देखा कि बहुत से काम वक्ते वाहिद में कर रही हैं, कपड़े भी धो के फैला दिए हैं, आटा भी गूंद रखा है, बच्चों को नहला धुला दिया है। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा जहरा क्या आज मिजाज बहाल है, तबीयत अच्छी है? तो कहने लगी या अली बाबा को ख्वाब में देखा था, कहते थे आ जाओ जहरा, तो मैंने बच्चों को नहला धुला दिया ताकि मेरे बाद हैरान न हो। इनके जुल्फों में और इनके बालों में खाक पड़ेगी, इनकी गिजा का इंतजाम कर दिया है। अली अब इनको ले जाओ मस्जिद में, ले जाओ अब इनको मस्जिद में ले जाओ। बच्चों को अली मस्जिद में ले गए, नमाज जैसे ही खत्म हुई बच्चे घर में आए और आते ही हर तरफ देखा मां नजर नहीं आई। एक मर्तबा का आसमां अम्मा कहां है, शहजादों
हुजरे में इबादत कर रही हैं, आपका खासा तैयार है, आपका खाना तैयार है, आप खाना खा लें। तो बच्चों ने रो के कहा, आसमां कभी ऐसा हुआ है कि हम बगैर माँ के खाना खाए हो? आसमां हम चाहते हैं कि माँ के साथ खाना खाएं। आसमां ने कहा, शहजादो माँ हुजरे में इबादत कर रही है। हुसैन इब्ने अली हुजरे के करीब आए और कासमा जंजीर खोल दे, दरवाजे की जंजीर खोल दे। आसमां ने कहा, शहजादे माँ ने मना किया है। इतना सुनना था कि बच्चे की आंखों में आंसू फेर दे कि माँ हुजरे में हो और ये कहा जाए कि जंजीर नहीं खुलेगी। आसमां कांप गई कि ये वो बच्चे हैं कि जिनकी आंखों में आंसू आता था, तो वहां से फरिश्ते बच्चों का पैराहन लेके आते थे। घबरा के जंजीर खोल दी, हुसैन अंदर पहुंचे, देखा मजहर आसमाए जुलजलाल जानमाज पर लेटी हुई है, आंखें बंद हैं। मां के सीने पर सर रख के हुसैन ने आवाज दी, अम्मा